हाय दोस्तों, मैं हूं कोच जे, आपका अपना पर्सनल ट्रेनर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो मुझे लगता है कभी ना कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जब आपका पहला दिन होगा जिम के अंदर। तो इसमें बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, पहले दिन हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, इंट्रा वर्कआउट लें कि ना लें। पहले दिन की बात कर रहा हूँ, और पोस्ट वर्कआउट में क्या खाएं। तो सोचिए क्या हो सकता है, ट्रेनर बहुत कुछ कहते हैं कि आप जो है वर्कआउट से पहले, आपका पहला दिन है तो आप दही ले लीजिए, आलू ले लीजिए, उबले हुए चावल ले लीजिए। क्या ये है इसका आंसर? नहीं, इसका आंसर है आपको पानी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये एक ट्रुथ है, क्योंकि आप बिगिनर हैं, आपको इनिशियल फोकस करना है अपनी यू नो रेगुलरिटी के ऊपर, और आप अभी अडाप्टेशन फेज के अंदर हैं, जिसके अंदर आपको एक्सरसाइजेस सीखनी है। आप अपने पैसे इंट्रा वर्कआउट के लिए, प्री वर्कआउट के लिए लगाना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने देखा है आज की डेट में, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो पहले दिन से ही इंट्रा वर्कआउट और प्री वर्कआउट लेना शुरू कर देते हैं। उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ बड़ी जल्दी से बढ़ जाए। मगर मैं आपको एक टेक्निकल फैक्ट बताना चाहता हूं, ड्यू टू न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन आपकी 20-25% स्ट्रेंथ तो पहले महीने में बढ़ जाती है। तो आपको प्री वर्कआउट की और इंट्रा वर्कआउट की कोई जरूरत नहीं, खाली आपको पानी का ध्यान रखना है, हाइड्रेशन का ध्यान रखना, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। वैसे भी अब सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों में सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन होती है। हमें लगता है हमें प्यास नहीं लग रही, मगर प्यास लग रही होती है, हम उसको उसके साइंस एंड सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं और हम डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि आपको रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है, पहले इन चीज़ों का ध्यान हमें इन चीज़ों को समझना होगा। यूजली हम जो ट्रेनर्स हैं रिकमेंड करते हैं कि आप वर्कआउट से पहले कुछ खा लें थोड़ा सा, उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने दो से तीन घंटे पहले अपना फुल मील लिया हो, बस आपको पानी पीना है, वर्कआउट के लिए आ जाए। अगर आपका गैप 4 से 5 घंटे का है बिफोर योर वर्कआउट, तो आप एक सेब ले सकते हैं खाने के लिए, जो कि आपको इंस्टेंट और साथ में साथ लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी भी देगा आपके वर्कआउट के दौरान। उसके बाद इंट्रा वर्कआउट की, जैसे मैंने बोला, ज़रूरत नहीं है, ना कि वो ना ही वो काम करते हैं बिल्कुल भी, वो वेस्ट ऑफ मनी है। और आई पोस्ट वर्कआउट की बात, उसके बाद आप सीधा अपना डायरेक्ट मील लीजिए, उसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं, हेल्दी खाइए। रात में आप वर्कआउट के बाद अपना प्रोटीन और जो भी आपकी सब्जी बनी हुई है या दाल बनी हुई है, रोटी के साथ ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, आपका फोकस होना चाहिए अडाप्टेशन के अंदर, आपको हैबिट बनानी है, ना कि आपको पैसे वेस्ट करने हैं इंट्रा वर्कआउट में, प्री वर्कआउट में। बाकी रिसर्च हैं जो बोलते हैं आपको कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, उसका नाम क्या, ग्लूकोज लेना चाहिए, प्री पोस्ट लेना चाहिए, वो भी सर्टन कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो आपको फोकस करना है, आपका पहला दिन है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, आपको कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, खाली पानी का ध्यान रखना है, हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। पानी जाएगा तो मसल ऑलवेज कॉन्ट्रैक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये याद रखिए, ये टेक्निकल फैक्ट है। तो इस चीज़ को आप डाइवर्ट नहीं होंगे, और आपका एक अच्छा वर्कआउट होगा और आपकी एक अच्छी एनर्जी बनेगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग कोच जे फिटनेस। इफ़ यू लाइक माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।